आदर्श महिला कल्याण समिति द्वारा दीपावली महोत्सव राजघाट बंधे पर रहने वाले गरीब परिवारों के साथ मनाया गया। संस्था के सदस्यों ने बंधे पर पहुंचकर उनके अस्थायी घरों के समक्ष दीप जलाया तथा वहां रहने वाले बच्चों को मिठाई सहित दीपावली मनाने के अन्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष दिलजीत कौर, रंजना श्रीवास्तव, तबरेज सिद्दीकी, संध्या, माया, रूप रानी, स्वीटी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के सदस्यों ने कहा, आइए लेकिन कुर्ता नहीं जाए कहीं ना कहीं वो नीचे हाँ है लेके हाँ अरे भाई दो बेटा इधर बेटा यहाँ मोना दादी अब तो पैकेट आ गया नहीं अभी आइए आइए आप ये ये यहाँ पे बलरामपुर दक्षिणी बंदे में यहाँ के लोगों को एकदम जो है समाज ने तिरस्कृत कर रखा है और उनके साथ जो है हम लोग मिलके दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, जैसे कि उनको भी एक मान सम्मान मिले कि हम लोगों को भी जो है समाज में कोई पूछने वाला है, क्योंकि ये लोग एकदम समाज से कटे हुए हैं। यहाँ पे बाढ़ में डूब के ये लोग एकदम परेशान रहते हैं, इनको कोई नहीं जो है ध्यान देता है। इन गरीबों के लिए हम लोग चाहते हैं, इन लोगों के साथ दिवाली मना के हम लोग चाहते हैं कि समाज में इन लोगों को भी एक स्थान मिले। इन लोगों को ना रहने का ठिकाना है और ना जो है कुछ करने का है, बाढ़ में ये बेचारे अकेले रहते हैं, इनको पूछने वाला नहीं। मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती थी कि मैं ये करूँ, तो मैंने किया है, फर्स्ट टाइम किया है। क्या किया? मुझे मैंने दान किया है मिठाई और पैसे जो भी हैं इसमें। किसको दान किए आप? किस यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, जो अनाथ हैं, मतलब उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, और देख तो रहे यहाँ पे क्या क्या मतलब है यहाँ पे, और इसलिए अच्छा लगा देना। हम लोग हमेशा देखते हैं कि शहरों में हम लोग अपने अपने घरों में खूब अच्छे से दिवाली मनाते हैं, मगर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो अच्छे से दिवाली नहीं मनाते हैं, तो इसलिए हम लोग पूरी संस्था ने सोचा कि हम लोग मिलकर इन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी खुशियाँ बटोर के जाएँ। तो इन लोगों को हम लोग अपनी तरफ से दिवाली की मिठाई दिए, तेल और फुलझड़ियाँ दे रहे हैं, जिससे इनकी जिंदगी में भी थोड़ी सी खुशियाँ आ जाए।